नीमच के एक ऐसे देव स्थान से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां महाशिवरात्रि पर्व अनूठे तरीके से मनाया जाता है। 17 फीट की चूल सजाई जाती है, धधकते अंगारे निकलते हैं, अग्नि स्नान होता है, 16 मटकियों को छाती पर फोड़ा जाता है और 41 कुओं के जल से स्नान किया जाता है। इसके बाद नाथों के नाथ अघोरी नाथ की आराधना होती है और साथ ही भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है। जी हाँ, यह स्थान है नीमच के पास श्री गुजर खेड़ा धाम। नीमच के पास ही स्थित ग्राम जावी में एक पति प्राचीन देवस्थान है श्री गुजर खेड़ा धाम। गुजर खेड़ा धाम नाथों के नाथ अघोरी नाथ का स्थान है और यह महाशिवरात्रि भूत भावन भगवान की भूत पद्धति की तर्ज पर की जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं, अघोरी नाथ को पूजते हैं और गुजर खेड़ा सरकार के जयकारे लगाते हैं। महाशिवरात्रि पर 17 फीट लंबी चूल सजाई जाती है। कंडों को इस चूल में रखकर धधकते अंगारे बनाए जाते हैं। इसके बाद इस धाम के मुख्य पंडा घनश्याम लोहार जो 41 कुओं के जल से स्नान करते हैं और फिर एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 मटकियों के जल को अपने सिर पर चढ़ाकर और उन मटकियों को अपने शरीर पर फोड़ते हैं। फिर वे भगवान अघोरीनाथ के वेश में आते हैं और धधकते अंगारों पर चलते हुए अग्नि स्नान करते हैं। उनके साथ साथ उनके कई अनुयायी जो अपने शरीर पर लोहे के सलिए कूटते हैं, लोहे की जंजीरें मारते हैं और जयकारा लगाते हुए धधकते अंगारों पर निकलते जाते हैं। उनके बाद फिर श्रद्धालुओं का कारवा इन धधकते अंगारों पर निकलता है। उस अग्नि को और धधकाने के लिए घी डाला जाता है और जब अग्नि धधकती है और अंगारे बनते हैं तो फिर हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु इन चूल पर निकलते हैं। और महाशिवरात्रि पर चूल का यह आयोजन सिर्फ नीमच में ही होता है और नीमच के गुजर खेड़ा धाम पर होता है और इसको देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धधकते अंगारों पर जब लोग चलते हैं तो उनके पैरों पे छाले नहीं पड़ते। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों लगाते हुए जब वे चलते हैं तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 फीट पर चलते जाते हैं और कहीं भी उनके शरीर में आग नहीं लगती और पैरों में छाले नहीं पड़ते। ये बाबा भोलेनाथ और अघोरीनाथ की शक्ति है जो उन्हें बचा के रखती है और उन्हें अग्नि का स्पर्श भी नहीं होने देती, उन्हें किसी भी तरह की चुभन या जलन महसूस नहीं होने देती। और इससे पहले आप देखिए कि किस तरह से भूत भावन भगवान भोलेनाथ और अघोरीनाथ की तपस्या करने वाले लोग इस चूल पर जब निकलते हैं तो उन्हें जरा भी डर नहीं रहता और बल्कि वे बेहिचक इस चूल से निकलते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। और बाबा अघोरीनाथ का स्वयं जो वेश में आए घनश्याम पंडा जी, वे उनका रूप बड़ा आक्रामक होता है, बड़ा तेजस्वी रूप रहता है और जब वे मटकियों पर को अपने शरीर पर फोड़ते हैं तो उनके शरीर पर भी कहीं मटकी से कोई निशान नहीं बनता, क्योंकि भारत एक चमत्कारिक देश है और यहाँ चमत्कार देखे जाते हैं। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर में जब देखा, अयोध्या में जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनके चेहरे में बदलाव हो गया और एक भगवान राम की प्रतिमा में अद्भुत चमत्कार नजर आया। यह चमत्कार स्थान स्थान पर नजर आते हैं, कोई भारत सनातन संस्कृति का देश है और ऐसे ही चमत्कार गुजर खेड़ा धाम पर देखने को मिला जब पंडा जी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 मटकियों को अपने शरीर पर फोड़ा तो उनके शरीर पर कई निशान नहीं बने। और जिस तरह से भक्त हर हर महादेव और जय बम बम भोले के जयकारों को लगाते हुए चूल पर निकले तो किसी के पैर में छाले तक नहीं आए और अग्नि ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और गुजर खेड़ा धाम की यही ख्याति है कि यहाँ जो भी भक्त जो भी मन्नत लेकर आता है वह पूरी होती है, जो भी प्रार्थना करता है वह पूरी होती है और उसके बाद वह चूल पर निकलता है और धधकते अंगारों पर चलता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता और वह
भक्ति और श्रद्धा की शक्ति में लीन होकर इस अनुष्ठान को करता है। तो यह गुजरखेड़ा धाम नीमच के पंजाबी पर स्थित है, आप भी कभी जाइएगा और अघोरीनाथ बाबा भूत पावन भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिएगा।